भारतीय सिनेमा में अगर आप जानना चाहते हैं शाम को इवनिंग पेपर और ये खुद फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का चौंकाने वाला रिएक्शन आया है। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर ही बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक मुद्दों तक पर अपनी राय रखते नजर आते हैं। इसी कड़ी में निर्देशक ने फिल्म फेयर पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि फिल्म फेयर अवार्ड जो बात हम सबको हैरान करती है वह यह है कि कुछ शानदार सिनेमा सेलेब्स सहित पूरा बॉलीवुड पूरी तरह से बिक चुके फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में भाग लेने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। हर कोई इस बात से हैरान है कि शाहरुख खान को फिल्म फेयर ने एक छोटा सा अवार्ड भी देने से मना कर दिया। वही बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अक्षय बॉबी देओल सब ने इस अवार्ड पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस बार अवार्ड में सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जवान को नहीं मिला, बेस्ट बीजीएम म्यूजिक भी जवान पठान को नहीं मिला। कुल मिलाकर तीनों फिल्मों ने 2600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। शाहरुख के फैंस की यही शिकायत थी कि जब उनकी फिल्में इतनी चली तो उन्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला। बहरहाल फिल्मों का कलेक्शन और अच्छी एक्टिंग हमेशा एक चीज नहीं होते। बाकी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस में डंकी, जवान और पठान कुछ कैटेगरीज में शामिल रहीं। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जवान और पठान के नाम थे। डंकी और जवान के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का डबल नॉमिनेशन मिला था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि फिर भी शाहरुख को अवार्ड में शामिल नहीं किया। इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड्स की प्रमुख विनर लिस्ट कुछ ऐसी है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल, बेस्ट फिल्म 12 फेल, बेस्ट एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन डायरेक्टर को मिला, बेस्ट डेब्यू एक्टर मिल आदित्य रावल को मिला, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेसेस फीमेल अलीजे अग्निहोत्री फर्रे, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण दुदेजा फिल्म धक धक, बेस्ट एक्ट्रेसेस इन सपोर्टिंग रोल शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, बेस्ट एक्ट्रेसेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी को मिला मिसेस चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे और शेफाली शाह 3 of Us फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी 12th फेल, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जोरम को मिला। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड अभी भी जवान को ही मिला है। वही सैम बहादुर के लिए विक्की कौशल को कोई अवार्ड नहीं मिला। वही शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको बेस्ट एक्टर बनने के लिए किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बेस्ट एक्टर फिल्में बना चुके हैं। वही अब जवान पठान डंकी के बाद शाहरुख अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं।